आपके अंदाज़े ज़िंदगी में सादगी मिलती है, सादगी अपनाने का जहन आपका कैसे बना? जवाब इरशाद फरमा लीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा। गुजर जाते हैं दिन यार सुख दुख में, टिप टॉप वाले भी कब्रों में चले गए, सादगी वाले भी कब्रों में चले गए, और जो बाकी हैं वो भी कब तक जमीन पर रहेंगे, वो भी अंदर जाने वाले हैं। सादगी का भी ये कुदरती तौर पर ये बहुत पुराना मेरा, एक तो माली एतबार से कमजोरी, तो मैंने तो हमेशा कोई नया स्वेटर खरीदा हो, नया जिसको मतलब न्यू होता है, ब्रांड न्यू, गैर मुस्तमल, महंगा होता है। मैं ये अपने जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं ना, इन जो बिकते हैं जहाँ, तो वहां चला जाता था, तो वहां से स्वेटर लेना, तो शर्ट भी दो दो रुपए तीन तीन में मिल जाती थी शर्ट। और पहले मैं जैकेट पहनता था, वो कोटी, क्या बोलते कोटी बोलते क्या बोलते बास्केट, ये पहनता था, एक अरसे तक पहना मैंने, तो पुराने कोट का वो कटिंग करके बनाते थे। कभी जिंदगी में नई वास्केट सिलवाना होता अपने तस्वर में भी नहीं था, बहुत उस उन दिनों भी महंगी होती थी, वो नई दो चार पांच रुपए दस रुपए की मिल जाती होगी, वो पहनता था मैं। तो यूं मतलब है कि अब वो कैसी होगी, पुराने कोट से बनी हुई समझे, तो क्या उसकी सिलाई होती होगी। खैर तो इस तरह मतलब ये कि बीत हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मेरे बस मिजाज में जो था वो टिप टॉप नहीं था इतना, सादा ही शुरू से ही मतलब अंदाज कुछ इसी तरह का था, और गुरबत भी थी। तो अब तक आहिस्ता आहिस्ता जहन बनता है, मजीद निखार आता है उसमें, यूं कि अब तक तो वही जहन है उस सादगी में। तो ये जो है ना, ये इस तरह की डिजाइन, यहाँ कोना नोक बनी होती थी, तो मैं नोक भी नहीं रखता था, यह नोक की सादगी के मुनाफी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये नोक, ये थोड़ी खूबसूरती लाती है नोक, तो मैं बस ये रखता था। उस जमाने से मेरा यही चला रहा है। अब खुदा जाने आजकल क्या फैशन है, नोक है या नहीं आप लोगों के, नहीं है ना। अच्छा यही पहले नोक रखते थे, यहाँ कोशिश ये होती थी कि सादा, अब तक वही चला रहा है। लेकिन ये कि मेरी जात तक ही है, बाकी अतराफ में जो भी आपको सब पता है यार। अब आप बोलोगे यार ये बूढ़ा है, तो भाई मैंने जवानी से सादगी अपनाई हुई है, बुढ़ापा तो बहुत बाद में आया है। नहीं ये दावत इस्लामी का तस्वुर था कि कोई इतना बड़ा मतलब यानी कि वो शोहरत और ये मदनी चैनल और कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जहन वही था सादा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकान जो जहां मैंने आंख खोली 6 महीने की उम्र से, उसकी तस्वीर आपने देखी हो, उसमें कितना सादा है, दो कमरे का मकान था। एक में मेरा बड़े भाई शादी के बाद वो रहते थे एक कमरे में, हम सारा खानदान रहता था हमारा। फिर भाई दूसरे घर चले गए, फिर मेरी शादी हुई, वो कमरे पर मेरी तरकीब बनी रहने की, और दो ही कमरे थे। और दोस्त अहबाब आते थे तो आजमाइश कहाँ बिठाए इनको, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे बढ़े हम, और मकान लिया वगैरह वगैरह। अब तो फैजान मदीना के साथ ही हमारा घर है।